कश्मीरी पंडितों के लिए प्रवासी प्रकोष्ठ के बिजड़ी काचरू आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने आज जगती टाउनशिप में एक बड़ा आंदोलन किया। श्री काचरू ने मीडिया को कश्मीर के इतिहास में कुख्यात दिन के बारे में बताया। यह वह दिन था जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर निकाला गया था। कचरू कहा कि हम अभी भी अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ पूरी गरिमा और पूरी सुरक्षा के साथ कश्मीर घाटी लौटने की उम्मीद में हैं। श्री काचरू ने अंत में कहा कि हमें उस कश्मीर की जरूरत है जो लद्दाख का सुझाव है। 19 जनवरी एक काला दिन के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस दिन 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ा गया, निकाला गया, जबकि मस्जिदों में ऐलान किया गया कश्मीरी पंडितों काफ्रो यहाँ से भाग जाओ, मर्द लोग यहाँ से चले जाओ, अपनी औरत और बेटियों को यहाँ रखो, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आज लगातार 32 साल से इस काले दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कातिल दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम 32 साल से एग्जाइल में हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, उनकी सरकार आएगी, आपको फिर कश्मीर में बसाया जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन आज तक ये बीजेपी सरकार हमारे पास आई भी नहीं, बल्कि नज़र भी नहीं दी, बल्कि पूछते भी नहीं है कश्मीरी पंडितों को कि आप को क्या मुश्किलात है। आज हम 474 दिन से लगातार धरने पर है और हमारी मांग थी मामूली सी रिलीफ को बढ़ाया जाए, लेकिन इस सरकार ने आज तक हमारे पास आने की गवार नहीं की और इसकी हम मजम्मत करते हैं। मेरा नाम शादीलाल पंडिता है, मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं और जगती जेटीसी का प्रेसिडेंट हूं और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन सोन कश्मीर है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और 32 साल से लगातार जद्दोजहद करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, हम कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहना चाहते हैं और जो हमारे कातिल हैं उनको सजा दी जाए, हमें फिर से कश्मीर में बसा। नमस्कार, मैं वीरजी काचरू, आम आदमी पार्टी माइग्रेंट सेल का प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज हम ये जो आज डेट 19 तारीख है, दिस डेट बिकॉज वी ऑन दिस सेम डेट वी आर थ्रोन आउट ऑफ द वैली। हमें ये सोच के हम जब निकले थे तो हमने सोचा था हमारी घर वापसी होगी, हमने मोदी सरकार पे हमारी बड़ी आस थी, हमने दो बार उनको पीएम की कुर्सी पे बिठाया ये सोच के उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द है, बिल्कुल वो दर्द हमें नहीं, अभी तक भी हमें नहीं सोचा, क्योंकि 2022 उनने हमें डेट दी कि आपके मैं घर वापसी करूँगा, लेकिन आज तक भी वो हमारी घर वापसी नहीं हुई है। हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए जब हमारे मोदी साहब जाते हैं, अपनी माँ के साथ मिलने जाते हैं, कि हमारा भी तो दर्द करता है अपनी माँ से मिलने के लिए। बहुत सारी सरकारें आई लेकिन हमारे साथ झूठे वादे किए गए हैं, अभी तक भी हमारे माँ के साथ हमें मिलना नहीं दिया जा रहा, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने शहीद दिए, शहीद हो गए हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अब उम्मीद है, शायद आस है, जैसे आज सुबह से आसमान भी रो रहा है और हम लोग भी रो रहे हैं ये सोच के कि हमारी घर वापसी होगी, अपनी माँ से मिलेंगे, अपनी कश्मीरी मुसलमान भाइयों से मिलेंगे। हम वैसे ही रहना चाहते हैं जो लालदेद ने कश्मीर बनाया था, लेकिन ये कैसे होगा ये भगवान जानता है और अल्लाह जानता है। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारे संवाददाता विनीत कड़ी हुल्लो की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।